Got it. हम आए हैं एक इंटरेस्टिंग घर में, अपसाइड डाउन, उल्टा घर है, हर चीज उल्टा है। जैसे पलंग नीचे होता है, इसमें ऊपर मिलेगा। तो और देखते, पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पर। मैरी गो राउंड व्हील से डर नहीं लगता, हाइट से डर लगता है बाबू जी। ओके, सो एवरीबॉडी इज रेडी, मास्क इज रेडी, आई हैव मास्क, माय पर्स इज देयर, यू हैव मास्क, Anya, you have mask? Yeah? Where's your mask? I have it. In the car? Okay. Okay, so we are all ready. We are going to Niagara Falls. Let's see kya kya dekhte hain. Wo apne bana rahi. Main soch rahi wo bol rahi hai to mere liye bhi kaam ho jayega, mere ko nahi bolna padega. इंटरेस्टिंग है क्रॉसिंग, कितनी भीड़ कितने सारे लोग क्रॉस कर रहे हैं, बाप रे। यस बेटा, यू वी कैन डू गो कार्ट्स आल्सो इफ दे आर ओपन। यहाँ पे गो कार्ट्स है राइट में, देखो आनी अपने, यू विल एंजॉय गो कार्टिंग। या आई वांट टू फाइंड अ प्लेस फॉर Ani, we should do go-karting. I really want to do. We will have some. ये सभी नया खुला है, पहले नहीं था dinosaurs का. Adults also, बेटा. है ना रिशु? ये भी पहले नहीं था. Okay, we got the parking. We paid for the parking. So now let's go. अच्छा, ये आदमी निकल रहा है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ. Yeah, सामने सामने. I want to. Fix कर रहा है कि निकल रहा है, I don't know. No, I won't sit. So they are going to go in there, sky wheel. So ticket ले रहे हैं मेरी बेटी और granddaughter. बहुत कुछ है यहाँ तो देखने का, बिल्कुल फिर से दूसरा मेला, बड़ा मेला, जैसे इंडिया में मेले होते थे, नुमाइश होती थी। तो मैं वेट करूँगी मेरी बेटी और granddaughter, उसमें मेरी वो राउंड इतना बड़ा है, मेरे को तो चक्कर आते हैं और हाइट से डर लगता है। तो मैं वेट करूँगी, वो लोग टिकट ले रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी वीडियो बना लूँगी। उल्टी गिनती की अच्छी प्रैक्टिस हुई, मैंने बेटी से पूछा ना कौन से नंबर पे हो, फिर मेरे सामने जो है 40 है, तो मैंने उल्टा गिनती करना शुरू करा, 40, 39, ओके कहाँ है, ऐसे अभी आपको दिखाती। सो ये 40 दिख रहा है ना इधर, और वो 4 पर है, तो मैंने उल्टा गिनती करना शुरू करा यहाँ से, राउंड 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 करते 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 मैं करते 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 पूरा करके ये 4 फिर दिख गया मेरे को, ये 1 तो ये दिख रहा और 2 ये दिख रहा, 3 हो रहा, 4 हो रहा। सो पता लग गया किधर बैठी है वो। सो अब ये है कि उसको देख पाएंगे, वीडियो बना पाएंगे अच्छे से। इसका मिस कर दिया, आई थिंक अभी आएगी दोबारा से लूँगी।
ठीक एंगल से खड़ी होती हूँ मैं, फिर दोबारा से ले लूँगी क्योंकि तेज़ हो जाएगा फिर तो दिखाई नहीं पड़ेगा। Experience. It was so much fun. We were going up and it was so scary for a second, but then the second one when we went, it was like really fun. फन इंतजार करना इज नॉट फन। अभी कितना देर से वेट करें आई डोंट नो, मे बी मोर देन हाफ एन आवर, और अभी तक वो लाइन में है, फिर वो जाएगी, फिर वो बैठेगी, उसके बाद हो जाए तो मे बी टोटल हाफ एन आवर मोर। So let's see कि क्या है upside down। So सीढ़ियाँ भी देखो ना, ऋषि उल्टी है। Like, I honestly am feeling dizzy. हाँ वो तो है, इसलिए लोग ज्यादा नहीं रुक पाते, तो देखो मत। या नहीं हम टाइम नहीं है, बस देख के फोटो लेके आ जाए। ये वो क्यों है dizziness? या मैं भी इधर घुसती डिजीनेस आई। रिशु मे बी एग्जिट इज डिफरेंट, एग्जिट so upside down house, I know. For some reason we get dizzy here. I look the bad. Are you about to go there? Yeah, I'm coming, so stay. She did, I don't know because you were ahead. So look, this child's bedroom upside down. Ha. It's not dizzy, I'm wild. Maybe Rishu ne kuch gadbad tarike se dekh liya, so she got dizzy. Wait, are you allowed past here? When I come there, then I will show bottom upside down. Toilet upside down. Exit upside down. And that sitting chair upside down. But this Anya is straight. Okay, hold on. Let me set. Oh, it's crazy. Toilet seat. Toe. Sir ke upar. Logon ka bhi poochho mat. Aur wo कुर्सी कहाँ गई? चेयर देखो मेरे सिर के ऊपर। एंड अब मैं संभल के वापस जाती हूँ भाई। कॉशन लो ओवर हेड, ओके लेट्स सी। ये नीचे जाना है, बाहर निकल रहे हैं, इसको बंद करूँगी। सीढ़ियाँ भी ना उल्टे तरीके से हैं सारी। दैट्स इट, तो खत्म। लेट्स सी, मैं फोकस रखूँगी अपना पकड़ने में जैसा भी वीडियो बनेगा, सो दैट आई डोंट फॉल। ओके डन, कर ही लिया अपसाइड डाउन घर का विजिट कर लिया। कल रात यहां से निकले थे कार में, आज वॉक कर रहे हैं।
मॉर्निंग। सो आज जाने का समय आ गया है, चाय गले से उतर गई है, आवाज़ बदल गई है, ठीक ही हो गई है, मतलब आई थिंक 80% ठीक लग रही है। मैंने कहा थोड़ा सा बोल दूँ यहाँ पर, क्योंकि जो वीडियो बनाए हैं नियाग्रा फॉल के, तो वहाँ शोर शराबा या कोई पीछे का बैकग्राउंड म्यूज़िक हुआ तो मेरे को फिर उसका चेंज करना पड़ेगा, बैकग्राउंड साउंड मीन्स यूट्यूब के भी म्यूज़िक डालने पड़ेंगे। तो अभी बता देती हूँ अपना पूरा कि क्या क्या किया है, जैसे होता है ना कहानी कोई होती है और शुरू में वो बताता है पूरी फिल्म किस चीज़ की है, सो ऐसे ही कुछ है। मैंने अपना सामान पैक किया घर में एज ए मदर, मैंने मसाले वसाले रखे कि भाई, क्योंकि यहाँ पर कुकिंग का प्लान था, सब्जियाँ वगैरह जो बनानी थी, जो इस तरह का आटा था, वो जो भी कुछ जैसे कुकिंग के लिए चीज़ें चाहिए होती है, और अपने दो दिन के कपड़े, ज़्यादा नहीं, छोटा सा सूटकेस, तो ऐसा इतना सामान मैंने अपनी कार में डाला और फिर मैं अपनी बेटी के पास ड्राइव किया, एक घंटे की ड्राइव थी। और उसके बाद फिर अपना सामान मैंने बेटी की कार में डाला, फिर बेटी ने ड्राइव किया और हम लोग फिर नियाग्रा फॉल की तरफ गए। तो ये तो हमारा पहला चरण था कि हम नियाग्रा फॉल की तरफ ड्राइव करें। बीच बीच में रश था, ठीक था, घर आ गए आराम से, बेटा बहू यहाँ पर थे, एंड उसके बाद हमने अपने बैठे गपशप करे, चाय वाय पी, एंड देन रात का डिनर जो था वो था हमारा साग और मक्का की रोटी जो मैं बना के ले गई थी, वो ताकि यहाँ आते ही एकदम सा ना करना पड़े। ये तो हमारा पहला दिन का हो गया था। घर बहुत ही बड़ा है, बहुत अच्छा, सबके अपने अपने रूम्स थे और रूम में सब कुछ सहूलियत अच्छा, बेड था, नहीं तो कहीं कहीं होता ना मैट्रेस अच्छा नहीं होता है, पर यहाँ पे सब अच्छी नींद आई, अच्छा ओढ़ने को था। और मैं सोची थी पंखे देखे कि एसी नहीं होगा, पर नहीं, एसी था ऊपर तक, नहीं कभी कभी हवा का कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं पहुँचता था, पर क्योंकि 3 लेवल होते हैं ना यहाँ पे, तो बीच के लेवल में, मतलब मेन लेवल पे ज़्यादातर किचन और लिविंग रूम होता है, तो उस लेवल पे तो ठंडक थी। ऊपर के बेडरूम ऊपर होते हैं, वहाँ पर रात में कभी कभी गर्म हो जाता है, इसीलिए उन्होंने बैकअप के लिए फ़ैन रखे हुए थे। तो क्योंकि पुराना, मैंने जैसे आगे आप सुनोगे, 100 साल पुराना घर है ये, पर अच्छा मेंटेन किया हुआ इन्होंने, सो बहुत अच्छा टाइम निकला। बड़ा किचन, मतलब
ऐसे बड़े घर हैं, आप देखोगे आगे बैकयार्ड कितना बड़ा है। सो ये है कि बहुत अच्छे से समय कटा यहाँ पे, कुकिंग भी बड़ी अच्छी रही क्योंकि जगह थी ना, हाथ को चलाने के लिए जगह थी, कि सामान अच्छे से सजा दिया अपना कि अच्छा यहाँ मसाले रख दिए, यहाँ ये चीज़ें, तो सब दिखता था, याद रहता था कि यहाँ कहाँ पर क्या है। सो ये रहा, अपना खाना पीना किया, बनाया बनाया और एंजॉय किया, गपशप मारी अपनी, और फिर हम नेक्स्ट डे ही बस नियाग्रा फॉल घूमे हैं। तो वो घूमने का मैं बताती हूँ आपको। सो नियाग्रा फॉल घूमने में मेरा बेटा इतना इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैं, मेरी बेटी और उसकी बेटी, तो तीन लेडीज़ हम लोग गए थे, क्योंकि पास में ही है, कितना 10 मिनट की ड्राइव थी जहाँ हम रुके थे वहाँ से, इसीलिए हमने ये जगह ली थी। तो वहाँ गए तो सबसे पहला काम होता है पार्किंग देखना, फिर हमको था कि हम ज़्यादा देर, क्योंकि यहाँ पे हम पास में रहते हैं तो और आना जाना चलता रहता है, आगे भी आते रहेंगे। अभी बस ये हम यहाँ पे आते हैं बस अपनी गेट टुगेदर, रेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक दूसरे घर में जाओ, जिसके घर में भी जाओ वो फिर बंदी लेडी काम में लगी रहती है। तो अभी ये ट्रेंड चल गया है, मैंने देखा इंडिया में भी, कि आप किसी एक दूसरे के घर में नहीं जाते, आप एकदम से नई जगह आप रेंट पे लेते हो, और होटल से ज़्यादा अच्छा रहता है। होटल में जाओ तो अलग माहौल होता है, ये अपना घर हो जाता है एक तरीके से। तो जिसको खाना बनाने में प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा लगता है, तो उनको ये सूट करता है कि अपने कुछ दिन का, जितना भी आपको, एक दिन दो दिन जो भी रहना है, हफ्ता रहना है, वो उसका आप ये रेंट कर लो। घर होते हैं एयरबीएनबी और भी होती हैं, और अपना आराम से खाओ पियो ऐश करो। या सो हम लोग वहाँ गए थे तो पार्किंग देखनी होती, तो $15 $25, तो मेरी बेटी ने कहा $25 की उसने ट्राई की हुई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर एक देख लेंगे। तो हमको शुरू में एक नई पार्किंग बनी थी, वो मिल गई $15 पर डे की, पर हमको तो दो चार घंटे रुकना था। एनीवे तो वहाँ पार्क कर दिया, वहाँ एकदम से दिखाई दिया मैरी गो राउंड, बड़ा सा राउंड। मेरी बेटी बोली मैं तो इसमें जाऊँगी, तो वो और उसकी, मैंने कहा मेरे को किसी राइड में नहीं जाना। सो वो और उसकी बेटी उसमें चले गए, मैंने वेट किया, थोड़ा सा वीडियो बनाया, उसके बाद वो आई। तो फिर मेरी बेटी को था कि अब गो कार्ट में जाएगी, तो उसमें भी वो दोनों जनी खड़ी हो गई, पर मेरी ग्रैंड डॉटर को उन्होंने कहा अलग बैठना पड़ेगा, वो उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं थी कि अलग जाके कार में बैठे। तो फिर वो वापस मेरे पास आ गई, क्योंकि वहाँ हर जगह बैठने का था। तब फिर मैंने और मेरी ग्रैंड डॉटर ने वेट किया, मेरी बेटी गो कार्ट करके आई थिंक 45 मिनट्स में, क्योंकि लाइन अप थी, और एंजॉय करके आ गई। फिर वो एक और चीज़ कोई शूटिंग की थी उन लोगों ने करी, मैं अपना इधर उधर करती रही। उसके बाद हम बताती हूँ आपको। फिर पता है एक इंटरेस्टिंग हमने घर देखा, एवरीथिंग वाज अपसाइड डाउन, जैसे बेड हमारा ज़मीन के ऊपर होता ना, वो उल्टा छत के ऊपर, टॉयलेट ज़मीन पे होता ना और टॉयलेट ऊपर। तो मेरी बेटी तो घुसते ही चकरा गई और बाहर भाग गई, वो तो जबकि टिकट थी अच्छी भली $37 में हम तीनों का था, और 5 मिनट में टूर पूरा हो गया था। बट ये एक्सपीरियंस की चीज़ थी, एंड आई वांटेड टू हैव दैट एक्सपीरियंस कि भाई क्या है अपसाइड डाउन घर, क्योंकि ना ऐसे रिसर्च करो तो लगता है इंटरेस्टिंग, बट इतना भी नहीं था, पर चलो समथिंग डिफरेंट टू सी, वो मेरे को रहता है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो वो देखा, उसके बाद मैंने आइसक्रीम खाई, एंड देन वैक्स म्यूजियम का मैंने देखा, तो मैंने कहा अरे आज इसको करते हैं। तो वो मेरी बेटी और ग्रैंड डॉटर ने कुछ और किया, मैंने ये किया। तो हम लोग ऐसे अपने अपने हिसाब से किया कि अच्छा तुमको ये पसंद है, मेरे को ये पसंद है। फिर बस उसमें घुस गई, $10.50 के अराउंड की टिकट थी, नॉट बैड। तो अंदर हमारे इंटरेस्ट के तो बस दो ही थे, वैक्स के जो थे स्टैचूज़। शाहरुख खान का बहुत गंदा बनाया है, पहचान नहीं आता, आप कहोगे ये शाहरुख खान है। और मैंने ना मतलब वो एंट्रेंस पे था और भीड़ थी, तो मैं ज़्यादा ढंग से ले नहीं पाई, तो पूरा लिखा हुआ नहीं आया है तो समझ में नहीं आएगा। मेरी बेटी ने कहा ये शाहरुख खान है, नहीं अंदर का सलमान खान भी पहचान नहीं आता, कैटरीना कैफ सलमान खान का बनाया हुआ है, तो कैटरीना तो समझ में आती है क्योंकि ड्रेसअप उसका अलग से आप पहचान जाओगे, पर सलमान खान भी थोड़ा पहचान में आ जाता है, और ओबामा और उसका मिशेल वो भी ठीक थे। बाकी सारे यहाँ के थे, मतलब हॉलीवुड के जो मेरे इंटरेस्ट में थे, तो शायद मैं वो फ़ोटो शेयर नहीं करूँ, वो डिलीट ही कर दूँगी। मैंने लिए तो थे वहाँ पे कि शायद अच्छे लगेंगे, पर नहीं, मेरी बेटी को भी मज़ा नहीं आया। उसके बाद मैंने कहा चलो अब नियाग्रा फॉल को वॉक कर लो, तो वो ये जहाँ ये सब चीज़ें थी वहाँ से 10-15 मिनट की वॉक थी।
फिर ये लोग अपना कुछ कुछ करते आ रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हम इतना आते हैं पहचानी सी जगह, तो मैं अपने वॉक करके नियाग्रा फॉल पहुँच गई। वहाँ देखा, अच्छा लगा लोग, क्योंकि इतने दिनों बाद इतने लोग थे ना, सब घूमने, सब खुश थे, तो अच्छा लग रहा था देख के उस जगह को ना, जो इतने दिन से बंद थी। तो नियाग्रा फॉल को देखा। और यहाँ ये नियाग्रा फॉल जो है ना, ये बॉर्डर पर है कनाडा और यूएस के, तो हम लोग की तरफ बेस्ट व्यू है फॉल का, यूएस की तरफ से देखते हैं वो इतना सुंदर नहीं है। तो मैंने वीडियो में लिया है कि कनाडा साइड के लोग जो बोट में जाते हैं वो रेड कलर पहनते हैं, और जो यूएस साइड के लोग हैं ब्लू कलर पहनते हैं। तो मैंने उन लोग का भी इस लेंस से आ गया है कि वो उनकी बोट ब्लू कलर के जो बैठे हैं वो यूएस वाले हैं, और हमें तो वो पानी सेम ही है, तो दोनों बोटें उसी पानी में चलती है मैदान, और ब्रिज है बीच में, बस इधर से उधर जाने के लिए एक ब्रिज है। लोग वॉक भी कर लेते थे जब हम आए थे, तो लोग वॉक करके की बस ऐसी नाम के लिए, हम यूएस होकर आ गए। क्रेज़ होता है लोगों का यूएस नाम का। अभी तो खैर डे बाय डे बढ़ती जा रही है स्ट्रिक्टनेस, तो सब कुछ पासपोर्ट वगैरह देखते हैं। बहुत टाइम पहले ऐसा नहीं था, बस चले जाओ। सो ये कहानी है। उसके बाद अपने हम घर आ गए, और अपना हमने कहा चलो अपने, क्योंकि हम कपड़े थोड़े लेके आते हैं, और फिर लगता है ना घर जाके क्या गंद ले जाओ, और यहाँ पे पूरा जैसे कि घर सेटअप है। तो हमने अपने जो भी कपड़े थे अपने थोड़े से उनको किया, लॉन्ड्री किए, वॉशर ड्रायर यूज़ करा। एक एनिमल दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं एकदम चुप हो गई। मैंने कहा चलो देखूँ कौन सा एनिमल है, डोर तो मैंने बंद किया हुआ। यस या तो ये है, तो सब ख़त्म। अब बस ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ, और उसके बाद मैं पैकिंग करके चल देंगे वापस अपने अपने घर को। पहले इसके घर जाएंगे, फिर वहाँ थोड़ा चाय वाय पी के फिर मैं अपनी कार से अपने घर चली जाऊँगी। और बस ये हमारी कहानी थी। ये देखो ना नाक के बाल, या मेरे को देखा था मैंने पिछली बार, कहा पता होना चाहिए ना 60+ में क्या क्या होता है, अच्छा होता कुछ कुछ बुरा भी होता है। बुरा क्या, एज की पहचान है, गोल्ड एज की पहचान है।